ओके गाइस, तो आज मेरे दिमाग में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला प्लान आ रखा है। तुम लोगों को तो पता है गाइस, हम लोगों ने काफी ज्यादा दिनों पहले या फिर काफी ज्यादा महीनों पहले एक बूस्टर कार बनाई थी और वो काफी ज्यादा तगड़ी चली थी भाई। बूस्टर कार बूस्ट देते ही फुल स्पीड में कुछ देर के लिए दौड़ती थी और अगर तुम लोग उसको सही से इस्तेमाल करो तो वो गाड़ी उड़ भी जाती थी, तो इतनी ज्यादा स्पेशल थी वो सुपर कार। तो मैं क्या सोच रहा हूँ गाइस, उस वाली गाड़ी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बूस्टर लगा था और वो सिर्फ एक गाड़ी थी। बट मेरे दिमाग में खतरनाक आइडिया है, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग उस बूस्टर कार को कंबाइन कर दे दो अलग बूस्टर कार्स के साथ और उसके कॉम्बिनेशन से बनाए अल्ट्रा बूस्टर कार जिसके अंदर तीन तीन बूस्ट होंगे पीछे। तो क्या वो तीनों बूस्ट चलेंगे या फिर एक ही बूस्ट चलेगा, तबाही कितनी ज्यादा मचने वाली है गाइज, उसकी टेस्टिंग आज हम लोग करने वाले हैं। तो मजा तो डेफिनेटली आने वाला है, तो जाकर अभी वीडियो को लाइक कर दो अगर लाइक नहीं किया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी चलते हैं यार अभी जल्दी से छत पे मैजिकल पेंटिंग पैड के पास, जॉब हमारा रेडी है। क्यों भाई चॉप? अब भाई साहब कल आइडिया तो समझा एग्जैक्टली हम लोग करने क्या वाले हैं। अबे देख भाई चॉप, मेरी बात को ध्यान से सुन, तुझे याद होगा हम लोगों ने एक बूस्टर सुपर कार बनाई थी? याद तो नहीं है? अबे 3 महीने पहले। हाँ याद है याद है। फिर हाँ, तो उस वाली सुपर कार के अंदर नॉर्मल सुपर कार थी, पीछे एक बूस्टर लगा हुआ था। बट मैं क्या सोच रहा हूँ, आज उसकी तरह दो गाड़ियां और बनाएंगे हम लोग और फिर तीनों को कंबाइन करके अल्टीमेट बूस्टर सुपर कार बनाएंगे जिसके अंदर तीन तीन बूस्ट होंगे और 12 पहिए होंगे। समझ रहा है तू कहने का मतलब? आइडिया तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है यार। चल ड्रॉ करते हैं फिर, लेट्स गो गाइस, अभी से ही ड्रॉइंग बनाना शुरू करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है यार इस स्पेशल बूस्टर सुपर कार को बनाने में। सो लेट्स ड्रॉ। तो अभी मैं अपने मैजिकल पेंटिंग पैड की स्क्रीन पर और अभी फटाफट से गाड़ी को डिजाइन करना शुरू करते हैं। तो ओपन रूफ टाइप की बनने वाली है ये कुल मिला के गाड़ी जो है अपनी, और इस तरीके की। अबे कुछ ज्यादा ही छोटी गाड़ी बना दी है तो मैंने, तीन तीन गाड़ी बनानी है भाई। ओके कुछ इस तरीके से और नाइस, तो इस तरीके से अपनी गाड़ी का कुछ लुक रहने वाला है। साइड लुक ये हो गए आगे के दो पहिए और ये पीछे वाला पहिया, और इसके बाद यहाँ पर सीट होने वाली है और इसके साथ ही साथ गाइस हम लोग इसको ऊपर से थोड़ा बूस्टर के लिए पाइप लगा देंगे। हाँ ये ठीक रहेगा क्योंकि भाई आफ्टर ऑल बूस्टर तीन तीन लगने वाले हैं तो पाइप कहीं ना कहीं तो लगेंगे ही। और उसके बाद यहाँ पर व्हील्स आ जाएंगे अपनी गाड़ी के मस्त वाले। ओके ये आगे वाला व्हील, ये पीछे वाला व्हील। अब तुम लोग सोच रहे हो भाई कि ये तो एक ही गाड़ी है, तीन तीन गाड़ियां कहाँ से लग रही हैं? हम लोग गाइस इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और सिंपली तीन तीन गाड़ियां आ जाएंगी। बाकी यहाँ पर जरा बूस्ट को डिजाइन करूं मैं, कुछ इस तरीके का बूस्ट है, लेट्स गो, काफी खतरनाक सा बूस्ट है भाई। ओके ये लो, और इसके बाद ये गाड़ी का कुछ ऐसा सीन, उसके बाद ये गाड़ी में पूरी रेड रखने वाला हूँ, बढ़िया लगेगी रेड कलर में गाड़ी। और उसके बाद अभी जरा पहिए में कलर वगैरह भरते हैं, गाड़ी में कलर भरते हैं। जो बूस्टर होगा कुछ ऐसा रहेगा, अंदर से थोड़ा लाइट ग्रे और ये वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा डार्क ग्रे। सीट जो रहने वाली है थोड़ी सी डार्क ग्रे कर देता हूँ। ये जो पाइप वगैरह है ये सब ब्लैक ही रहेंगे, और इसके साथ जो विंडो है आई थिंक गाइस उसको ब्लू कर देना ठीक रहेगा, और बाकी पूरी की पूरी गाड़ी रहेगी रेड कलर में। तो इसी के साथ गाइस हमारी मस्त वाली रॉकेट कार एकदम रेडी है। अब बस इसके अंदर 3 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये एकदम मस्त काम कर सके। लेट्स गो, ये पीछे से निकल रहा है बूस्टर। ओके और अभी गाड़ी को ट्रिपल कर देते हैं, तो ये गाड़ी इनटू 3 और इसी के साथ ये गाड़ी मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 के साथ और तीन तीन गाड़ियां जुड़कर हमारे सामने आ जाएंगी। देखते हैं ऐसा कुछ होता है कि नहीं, बाकी मेरे को लग रहा है होना तो चाहिए ऐसा कुछ। लेट्स गो गाइस, रेडी हो जाओ तुम लोग फटाफट से, लेट्स गो 3 2 1। ओके तो हमारी ओ वेट आ गई गाड़ी सच में ही, ये तो सच में 3 गाड़ियां जुड़ के आ गई हैं यार। ये देखो भाई ट्रिपल बूस्टर यार, तीनों बूस्टर काम कर जाए मजा ही आ जाएगा। बाकी इसके अंदर बैठूं कहां से, मैं बैठ गया क्या? मैं आई थिंक बैठ ही गया, यस बैठ गया हूँ मैं। और ओ भाई कितनी चौड़ी गाड़ी लग रही है भाई चौप, देख रहा है तू? यार ये तो काफी खतरनाक लग रही है यार गाड़ी देखने में। हाँ यार गाड़ी तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है देखने में। बाकी इसको लेकर चलते हैं जरा, आई डोंट नो ये दोनों बूस्टर काम करेंगे कि नहीं। इसके पीछे से तो आग नजर आ रही है, इन दोनों के पीछे से आग नजर क्यों नहीं आ रही, आई डोंट नो क्या सीन है, काम करेंगे कि नहीं बूस्टर। अभी तो पहले नीचे लेकर चलते हैं इस गाड़ी को आराम से। ओके पर कितनी चौड़ी गाड़ी है यार, नॉर्मली गाड़ियां लंबी होती हैं बट ये गाड़ी देखो कितनी चौड़ी है। तो इसको अभी फिलहाल मैं लेकर निकल चुका हूँ गाइस, स्पीड तो बिना बूस्ट के भी काफी अच्छी है इसकी।
ये देखो 100 कितनी ज़्यादा इजीली पहुंच जाती है। ये देखो भाई 100 117, वो भी गलियों वाले रास्ते पर। हाईवे पर तो अभी तक मैं गया ही नहीं हूँ। हाईवे पर तो आई थिंक गाइस ये 300 से ऊपर इजीली पहुंच जाने वाली है। ओके 200 की स्पीड क्रॉस कर दी हम लोगों ने यहाँ पर। लेट्स गो 220 230। अबे ठोक दी। ओके चलो भाई अब नॉर्मली गाड़ी चलाना बहुत हुआ, अब जरा बूस्ट का यूज करते हैं। देखते हैं गाइस बूस्ट तीन तीन चलते हैं। ओके वो तीन बूस्ट चल रहे हैं यस, बट जो साइड वाले बूस्टर है वो थोड़े पतले से चले हैं। एक सेकंड तुम लोग ध्यान से देखना जरा बूस्टर को, चल तो रहे हैं दोनों वाले बूस्ट लेकिन वो थोड़े से पतले हैं गाइस। आई डोंट नो ऐसा क्यों है, बट हाँ बीच वाला तो पूरा आग फेंक रहा भाई, बट दोनों साइड वाले कम आग फेंक रहे हैं। बट फिर भी स्पीड काफी ज्यादा बढ़िया बढ़ जाती है बूस्टर की वजह से। ट्रिपल बूस्टर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए यार। एक सेकंड हाईवे पर लेकर चलते हैं, ये प्रॉपर हाईवे पर, हाईवे भी तो नहीं है सामने की तरफ है हाईवे। लेट्स गो गाइस ट्रिपल बूस्ट। ओ तेरी ट्रिपल बूस्ट अगर कुछ देर के लिए चला दो ये तो गाड़ी उड़ जाएगी भाई सच में। रुको ऊपर हाईवे है, ऊपर जाने का जो रास्ता है वहां से है। अबे यार चौप को तो मैं संग में लाया ही नहीं, चलो कोई बात नहीं बाद में लेकर आ जाएंगे उसे। फिलहाल तो अभी हाईवे के ऊपर चलते हैं गाइस। लेट्स गो। तो अभी मैं आ चुका हूँ हाईवे पर। भाई कितने पहिए हैं इसके अंदर, पीछे 6 और आगे 12 पहिए हैं। ओके लेट्स गेट रेडी। ओके 240 की स्पीड 200। अबे बाकी ओ तेरी ओ ओ भाई कितनी ज्यादा फास्ट गई थी अभी। तीन तीन बूस्टर कितनी देर तक चले, ये तो कमाल की बात है यार। लिटरली में भाई जो तीन बूस्टर चल रहे हैं ना मैं क्या ही बताऊं। वापस से हाईवे पर चलते हैं और इस बार हाईवे पर अगर गाड़ी अपनी ठुक ठुका जाती है तो फिर हम लोग गाइस सीधे निकल लेंगे यहाँ से एयरपोर्ट पर, क्योंकि वहाँ से बढ़िया और कहीं भी स्पीड टेस्टिंग नहीं हो सकती है। ओके वापस से मेन हाईवे पर आ चुके हैं हम लोग। लेट्स गो। इस बार पूरी देर तक बूस्ट देते ही रहेंगे। 250 300 350 400 400 की स्पीड पे तो उड़ गई थी अभी, जमीन छोड़ के हवा में आ गई थी ये गाड़ी। लेट्स गो वापस से 250 एक बूस्ट के अंदर ही। उसके बाद 260 के बाद ओके 300। अबे यार हाईवे की बड़ी प्रॉब्लम है भाई, गाड़ियां टक्कर मारती रहती है। एक काम करते हैं गाइस फोन करके प्रेसिडेंट से जरा लॉस सैंटोस की गाड़ियां रुकवाते हैं। तो लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट को कॉल करके मैंने लॉस सैंटोस से सारा का सारा ट्रैफिक हटवा दिया है भाई। अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी मस्त वाली टेस्टिंग होगी हमारी। अब कोई गाड़ी बीच में आएगी नहीं तो दिक्कत की कोई बात भी नहीं है। तो चलो भाई अपनी स्पीड 100 है, 250 हो गई ठीक है एक बूस्ट के साथ ही। अब जरा दूसरा वाला बूस्ट देंगे, रुक जाओ सीधा हाईवे आने दो। 300 हो चुकी है सिर्फ एक बूस्ट पर। ओके दूसरा बूस्ट देने की बारी आ चुकी है। अबे यार आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। ओके दूसरा बूस्ट लेट्स गो। ओके दूसरे बूस्ट के अंदर ओ 538 की मैक्सिमम स्पीड दूसरे बूस्ट के अंदर, क्या बात है। ओके तीसरा बूस्ट, अबे यार 538 फिर से गई और ये तो लिटरली मैं उड़ गई। इस बार उड़ के सीधा मैंने होटल की छत पे लैंड किया यार। ओ यार ये ट्रिपल बूस्ट तो काफी खतरनाक एंड स्कैरी माहौल है भाई, बस सच में खतरनाक है यार ट्रिपल बूस्ट तो। डरावनी लग रही है अब तो ये गाड़ी। 529 समथिंग गई इसकी मैक्सिमम स्पीड। अभी भी हाईवे खाली है, एक बार और ट्राई करते हैं जरा। लेट्स गो गाइस बैक ऑन द हाईवे और ये हमारा पहला बूस्ट 200 की रफ्तार पर। लेट्स गो ये हमारा दूसरा बूस्ट और ये अभी फाइनली दे देते हैं। लेट्स गो तीसरा बूस्ट 500 और 600 और 774। भाई साहब तीनों बूस्ट जब एक साथ चल रहे हैं तो अपनी गाड़ी की स्पीड लिटरली में 774 तक गई अब की तो। यार अभी तक तो ये आई थिंक लॉस सैंटोस की सबसे हाईएस्ट स्पीड थी, इससे ज्यादा हाईएस्ट स्पीड तो अभी तक एवर रिकॉर्ड नहीं हुई है कभी भी, और ना ही मुझे लगता है फ्यूचर में कभी हो पाएगी। भाई साहब 772 और उड़ गई गाड़ी भाई लिटरली में गई पानी के अंदर। अरे बूस्टर देके पीछे ले लेता हूँ गाड़ी को। अबे नहीं जा सकती वापस पीछे, पानी के अंदर आ गई। पता नहीं अभी इसका बूस्टर काम कर रहा है कि खराब हो गया। काम तो कर रहा है यार, बूस्टर काम कर रहा है। पानी से बाहर भी अभी बूस्टर ही निकालेगा। चल बूस्टर तबाही मचा, पानी से बाहर निकाल। अबे खम्भों में अटक गई गाड़ी। ओ यार कितने पावरफुल बूस्टर्स हैं इसके। वैसे गाइस तुम लोग गाड़ियों के ऊपर पाइप देख सकते हो, ये सारे के सारे जो पाइप लगे हुए हैं ये एक्चुअली में बूस्टर्स के ही पाइप हैं। और अभी फिलहाल हम लोग बाहर आने की काफी अच्छी कोशिश कर रहे हैं और शायद बाहर आ भी जाएंगे जल्दी। लेट्स गो आ गए बाहर। तो ओ ये इसके अंदर अब आग जलने लगी, बट बीच वाले में आग बुझ गई। अबे ये क्या सीन है, आग ट्रांसफर हो रही है क्या। तो मैं कह रहा था गाइस कि ये जो छत पे है गाड़ी की, ये तुम लोग पाइप्स देखो कितने सारे हैं। ये सारे पाइप एक्चुअली में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, जिसकी वजह से बूस्टर काफी बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हैं। लिटरली मैं एपिक परफॉर्म कर रहे हैं भाई।
फिलहाल तो जो भी हो, अगर तुम लोगों को आज की बूस्टर ट्रिपल बूस्टर वाली कार बढ़िया लगी हो तो फटाफट से जाकर गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यस गाइस, अभी भी जाओ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करके याद से नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।